हाय। तो मैं सोच रही थी कि वीकेंड आने वाला है। अब वीकेंड आने वाला है तो आप में से बहुत हैं जिनके हस्बैंड्स घर पे होंगे, जिनकी फैमिली लेडीज़ होंगी, जिनके बच्चे घर पे होंगे स्कूल से ऑफिस से, और हर किसी की डिमांड होती है कि कुछ अच्छा खाया जाए क्योंकि वीकेंड है। तो मैं खाना अच्छा बनाती हूँ, बहुत अच्छा बनाती हूँ एक्चुअली। लेकिन मेरी एक डिश है, पतिदेव ने उस दिन बोला कि मेरी सुपर हिट डिश पनीर बिरयानी है। पनीर बिरयानी इज अमेजिंग, लेकिन जो एक डिश मेरी आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, मतलब आउट ऑफ दिस यूनिवर्स है, मैं इसलिए इतने कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ क्योंकि आज तक एक ऐसा इंसान नहीं है जिसने वो डिश खाई और ये कहा हो कि प्लीज वी वॉन्ट टू ईट इट अगेन। मेरे फ्रेंड्स जो रेस्टोरेंट ओनर्स हैं वो सब मुझसे ये रेसिपी मांगते हैं। सो आप सोच सकते हैं कि ये कितनी तोड़ू रेसिपी है। ये रेसिपी है पनीर मखनी की, और मेरा बेटा रो रहा है। तो मैं आज आपके साथ पनीर मखनी बनाने वाली हूँ अपनी, जो अगर आप चाहें तो वीकेंड पे अपनी फैमिली के लिए बना सकते हैं और थोड़े ब्राउनी पॉइंट्स कमा सकते हैं। तो चलिए साथ में मिलके बनाते हैं वर्ल्ड की सबसे अमेजिंग इनक्रेडिबल पनीर मखनी। हॉली हाय गाइस, मेरी रसोई में आपका स्वागत है। आप में से किसी ने बड़ा प्यारा सा सजेशन दिया कि जब आप कुकिंग करें तो यू कैन कॉल इट शिल्पा की रसोई। तो शिल्पा की रसोई में आपका स्वागत है, और आज हम साथ में बनाने वाले हैं मेरा सुपर हिट नंबर वन पनीर मखनी। तो गाइस, हमने तैयारी कर ली है अपने अमेजिंग पनीर मखनी की। अब मैं आपको एक एक करके सबसे पहले दिखाती हूँ कि पनीर मखनी में इंग्रेडिएंट्स कौन से जाएंगे। और जस्ट फॉर यू टू नो हेड्स अप, ये 15 मिनट की रेसिपी है। इट्स लाइक दैट क्विक। 10 मिनट सिर्फ ऊपर से जाते हैं टमाटर को उबालने में। तो फर्स्ट स्टेप, अगर आप आधा किलो पनीर बना रहे हैं उस हिसाब से आप अपना हिसाब रखना। आधा किलो पनीर के लिए आपको लगेंगे 6 टमाटर, जिन्हें आपको अच्छे से पहले उबालना है, से फॉर अबाउट 10-12 मिनट्स। जब वो ठंडे हो जाएं फिर उन्हें पीसना है इस तरह से, मतलब यू लिटरली हैव टू मेक इट प्यूरी टाइप। ये आपको टमाटर की प्यूरी बनानी है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। तो ये है हमारी टमाटर की प्यूरी। आज क्योंकि मैं 250 ग्राम पनीर बना रही हूँ तो मैंने 4 टमाटर लिए हैं, दैट्स माई हिसाब। उसके बाद आपको लगेगा नमक, ये हो गया नमक। हमें लगेगा ज़रा सा पनीर मसाला, ये किसी भी कंपनी का आप यूज़ कर सकते हैं। ये है पनीर मसाला, ऑब्वियसली क्योंकि पनीर मखनी है तो बटर तो लगेगा ही लगेगा। सॉल्टेड बटर, अनसॉल्टेड प्लीज मत लीजिएगा, सॉल्टेड बटर बिकॉज इट एड्स टू द टेस्ट। सॉल्टेड बटर, जाहिर सी बात है पनीर है तो पनीर तो लगेगा ही। ये मेरा 250 ग्राम पनीर हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट, इवन इफ यू थिंक इन योर हेड कि अरे यार मुझे ना वहां का मीठा अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, थोड़ा सा शहद तो डालना ही पड़ता है बिकॉज इट रियली एड्स टू द टेस्ट। इस वाले में खास करके आपको बहुत अच्छा लगेगा। और लास्ट इंग्रेडिएंट जो इस वक्त मेरा थॉ हो रहा है, विच इज फ्रेश क्रीम, जो जब तक हम बना रहे होंगे तब तक थॉ हो जाएगा, तो वो मैं आपको एंड में दिखाऊंगी। लेकिन ये है सारे इंग्रेडिएंट। तो टोटली कितने इंग्रेडिएंट्स हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 इंग्रेडिएंट्स एंड 15 to 20 मिनट्स, और आपका वर्ल्ड का सबसे अमेजिंग पनीर मखनी तैयार है। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पनीर मखनी बनाना। आ जाइए। ओके, स्टेप वन इज, ये जो बटर हमने निकाला था, ये हमने बटर डाला, और इसके साथ साथ ये जो आपकी प्यूरी बनी हुई है उबले हुए टमाटरों की, ये आपने इसमें ऐड किया, ऐड किया, ऐड किया। मैं वेस्टेज में बिलीव नहीं करती, तो मैं क्या करती हूँ, जो इसमें बच जाता है उसमें मैं अपना आरओ वाटर थोड़ा सा डालती हूँ, और जो मैं अभी लाके आपको दिखा दूंगी। वाई वेस्ट, राइट? वेस्टेज इज बैड। तो ये हमने लिया और ये हमने इसमें ऐड कर दिया। अब मेन आपका जो टाइम लगता है, बाकी किसी चीज़ में इस रेसिपी में टाइम नहीं लगता है, आपको सिर्फ टमाटर को पकने देना है। तो ये आपने सॉल्टेड बटर में अपनी टोमेटो प्यूरी ऐड कर दी। मैं इसी स्टेप के दौरान इसमें नमक ऐड कर देती हूँ, विच इज़ अबाउट 3/4 टीस्पून।
3/4 ज़्यादा करना है तो वो तो हम हमेशा कर ही सकते हैं, लेकिन बिगनिंग के लिए जस्ट टू फिगर द टेस्ट कि कैसे जा रहा है, 3/4 टीस्पून मैंने नमक डाल दिया इसमें और ये हमने अब इसे पकाना स्टार्ट किया। ये की स्टेप है आपका, अगर आपके टमाटर नहीं पकेंगे तो वो टेस्ट नहीं आता पनीर मखनी का जो आना चाहिए। सो वी हैव टू लेट दिस जस्ट पको पको। ओके, तो जितनी देर में आपका आपके टमाटर पक रहे हैं, एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप इस पनीर मखनी का, ये जो कसूरी मेथी है आपकी, आप इसे कच्चा नहीं डालेंगे। मैं इसे 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव में चलाती हूँ, तो जितनी देर में टमाटर पक रहा है हम इस कसूरी मेथी को माइक्रोवेव में 1 मिनट के लिए चलाएं। पनीर मखनी है ये, तो इसमें मक्खन तो होगा ही, मक्खन इन द सेंस कि आपका येलो बटर और आपका फ्रेश क्रीम। बट अगर आप ये जो मैं अक्सर बनाती हूँ, तो ऐसा नहीं है कि आई एम जस्ट सेइंग इट फॉर द हेक ऑफ इट, कई बार आपको मन करता है पनीर मखनी आप खाएं, लेकिन यू डोंट वांट टू हैव दोज कैलोरीज विच कम विद द बटर एंड द क्रीम, तो मैं उसमें ये यूजली करती हूँ कि मैं लिटरली 1 चम्मच बटर लेकर, इंस्टेड ऑफ 20 ग्राम्स, मैं 1 चम्मच बटर लेकर उसमें अपनी टोमेटो प्यूरी को अच्छे से वो करती हूँ, पकाती हूँ। एंड बटर या फ्रेश क्रीम की जगह मैं दूध डालती हूँ थोड़ा सा, तो एक वो जो क्रीमीनेस, एंड देन आई लेट इट पको फॉर 10-15 मिनट्स। पनीर मखनी का टेस्ट वैसा वाला नहीं आता है, बट इट्स स्टिल वेरी वेरी गुड। सो फॉर ऑल ऑफ यू पीपल जिनको डॉक्टर ने बोला है कि बटर मत खाइए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा आपका, ब्ला ब्ला ब्लू ब्लू, इफ़ यू स्टिल वॉन्ट टू एन्जॉय इट, कट द बटर, कट द फ्रेश क्रीम, उसकी जगह आप थोड़ा सा दूध ऐड कीजिए, 10-15 मिनट पकाइए। आई एम प्रिटी श्योर हमें तो अच्छा लगता है, वैसे भी आपको भी अच्छा लगेगा। तो ये हमारा टमाटर, हमारे टमाटर की जो प्यूरी है ये पक सी गई है। अब इसमें स्टेप टू में मैं जो आपको मैंने पनीर मसाला पहले दिखाया था वो मैं ऐड करूँगी। ये भी मैं आई स्टार्ट विथ 3/4 स्पून टीस्पून, ये मेरी मात्रा है। आपको ज़्यादा डालना है आप हमेशा टेस्ट करके बाद में डाल सकते हैं, बट इट्स बेटर टू बिगिन विद लेस इन द बिगनिंग। ये हमने ऐड कर दिया, ये हमने मिक्स कर दिया। इसके बाद स्टेप है पनीर ऐड करने का, ये हमने पनीर भी ऐड कर दिया। और अब हम इसे पकने देंगे और 5 मिनट पकने देंगे। तो पनीर ऐड करके हमें और कुछ 3-4 मिनट हो गए, अब इसमें हम ऐड करेंगे शहद। शहद आप सोच लीजिए अबाउट अ टीस्पून, नॉट मोर, अगेन टू बिगिन विद, स्वाद अनुसार आप बाद में ऐड भी कर सकते हैं, दैट्स कंप्लीटली अप टू यू कि आपको ज़्यादा मीठा चाहिए कम मीठा चाहिए। इसमें अब ये जो कसूरी मेथी आपने 1 मिनट के लिए अपने माइक्रोवेव में चलाई थी, अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो तवे पे आप इसे सिम पे रखिएगा, क्योंकि तवे पे बहुत जल्दी पटपट पटपट करने लग जाती है। तवे पे बस जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए, क्रंची ना हो जाए, आप इसे तवे पे भूनिए, आपको पता चल जाएगा कि क्रिस्पी हो गई है, क्रंची हो गई, तो इट्स टाइम। ये आपने अपने हाथ में ली कसूरी मेथी और ये इसे ऐसे धीरे धीरे आपको बुरकना है, पीस कर हाँ, वरना कसूरी मेथी अगर अक्खी डालेंगे तो आपको कड़वी लगेगी। सो टू वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टेप्स, एक तो आपको डेफिनेटली उसे भूनना है पहले ताकि कड़वाहट ना आए उसकी, और नंबर टू जब आप उसे पनीर में बुरकें तो डेफिनेटली हाथ से इसे पीस के इस तरह बुरकें। एंड नाउ द फाइनल स्टेप, फ्रेश क्रीम। तो ये आई हमारी फ्रेश क्रीम। हम भी बहुत ज़्यादा अनहेल्दी नहीं खाना चाहते, इसलिए हम भी फ्रेश क्रीम कम ही डाल रहे हैं, लेकिन आपके ऊपर है। अगर आप वीकेंड के हिसाब से एक तोड़ू टाइप पनीर मखनी बनाना चाहते हैं तो आप 2-3 टीस्पून ज़रूर ऊपर से डाल सकते हैं। हम थोड़ा सा हेल्दी बनाना चाहते हैं इसलिए वी आर कीपिंग इट लाइक दैट। ओके, तो ये तैयार है हमारा पनीर मखनी। छोटी छोटी टिप्स आपके लिए, अगर आप ज़्यादा क्रीम डालेंगे अपीयरेंस वाइज, जब आप फाइनली अभी ये डिश देखेंगे आपको शायद अपनी डिश से रंग में अलग लगे,
ए बिकॉज आपने शायद ज़्यादा क्रीम ऐड की हो, अगर आप ज़्यादा क्रीम ऐड करेंगे तो मेरी मेरा कलर इज़ मोर रेडिश क्योंकि मैंने क्रीम कम ऐड की है, अगर आप ज़्यादा क्रीम ऐड करेंगे तो आपकी ज़्यादा क्रीमी ऑरेंजिश लगेगी, सो नो वरीज, इट्स द सेम, इट जस्ट बिकम्स टेस्टियर, बट मेरा रेड ज़्यादा है क्योंकि मेरी फ्रेश क्रीम ऑब्वियसली कम है. ओके, तो हमारा फेमस पनीर मखनी तैयार है. आप वीकेंड पे अपनी फैमिली को ज़रूर खिलाइएगा और मुझे प्लीज़ 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 बताइएगा कि आप सबका ये पनीर मखनी, अगर जो आपने बनाया तो कैसा बना, फैमिली वालों को कैसा लगा, हस्बैंड्स को, बच्चों को, मदर्स को, सास ससुर को, सबको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा. और आगे जाके जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था, हियर ऑन हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट हमारी रोज़मर्रा की हेल्दी रेसिपीज़, रेसिपीज़ दैट कीप अस फिट एट 40 एंड पतिदेव एट 50. स्मॉल लिटिल थिंग्स, वेरी स्मॉल लिटिल थिंग्स, लेकिन हम पे तो काम आती हैं. तो हम धीरे 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 एक एक करके स्किन केयर, हेल्थ और फिटनेस की सारी टिप्स आपके साथ शेयर करेंगे. जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, बने रहिए, आइए, आशीर्वाद दीजिए, ब्लेस कीजिए, पनीर मखनी एंजॉय कीजिए. आई लव यू. ओम नमः शिवाय. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, शिल्पा के हाथ का मेरा फेवरेटेस्ट पनीर मखनी और ये पराठा रेडी है और मैं कुछ देर में से खा के आपको बताऊंगा कि ये मुझे कैसा लग रहा है. सो ये रहा पराठा और ये रहा पनीर मखनी का पहला बाइट. यार आई विश कि आप लोग YouTube के थ्रू जो है ना वो टेस्ट कर पाते जो मैं टेस्ट कर रहा हूँ उस वक्त. सबका कहना है कि अगर आपको स्वर्ग जाना है तो मरने की जरूरत पड़ती है, लेकिन मेरा कहना ये है कि अगर आप जीते जी स्वर्ग जाना चाहते हैं तो आपको शिल्पा के हाथ का पनीर मखनी खाना चाहिए. दैट्स इट, और आप लोग स्वर्ग पहुंच जाएंगे. सो गाइज, हमें लाइक करिए, हमें सब्सक्राइब करिए, हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, आपके प्यार की बहुत बहुत ज़रूरत है. आप लोग ऑलरेडी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत प्यार दे रहे हैं, थैंक यू सो मच. खुश रहिए, आबाद रहिए और ऑसम अग्निहोत्री के व्लॉग्स देखते रहिए. थैंक यू, लव यू ऑल.